हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूं, जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और साथ ही साथ आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा, जिससे मैं आपका धन्यवाद कर सकूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। पहली टिप हमारी आलू को लेकर है। आलू का इस्तेमाल हम दूसरे चीज़ में करेंगे, लेकिन आज मैं आपके साथ आलू के छिलके का बहुत ही अच्छा सा यूज़ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए पहले हमें आलू को छिल लेना है। आप देखे होंगे गांव वगैरह में आलू के छिलके की भी सब्ज़ी बनती है। कभी कभी तो आलू बिना छिले ही उसकी सब्ज़ी लोग बनाते हैं, वे काफ़ी टेस्टी लगता है। लेकिन आज मैं आलू के छिलके का आपको दूसरा रीयूज़ बताऊँगी। तो इसके लिए हमें आलू को छिल लेना है और हमें आलू के छिलके को ले लेना है। दोस्तों, ये जो आलू का छिलका होता है ये क्लीनिंग का बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। तो ये जो मेरे पास मिरर है ये काफ़ी गंदा हो गया है, ये सिंक के पास टंगा हुआ था, जिसकी वजह से इस पर पानी के काफ़ी छींटे पड़ गए हैं, जिसकी वजह से इस पर दाग धब्बे पड़ गए हैं। तो ये जो आलू के छिलके का रस होता है ये क्लीनिंग का बहुत ही अच्छी तरह से काम करता है। आप इस छिलके से अपने मिरर की सफाई कर सकते हैं, चाहे विंडो का हो या ड्रेसिंग टेबल का हो या कोई भी मिरर हो, उसे आप इस छिलके की मदद से साफ़ कर सकते हैं। इस छिलके के रस से मिरर बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होता है। पहले आपको आलू के छिलके का रस मिरर पर लगा देना है, उसके बाद सूखे कपड़े से इसे पोंछ देना है। देखिए कितनी अच्छी तरह से मिरर साफ हो गया। इसमें हमें और कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस आलू के छिलके को रगड़िए और एक सूखे कपड़े से मिरर को पोंछ दीजिए। मिरर पे जितने भी दाग धब्बे हैं वो पूरी तरह से साफ हो जाएंगे और मिरर आपका बिल्कुल चमकने लगेगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों, जब हम दूध खौलाते हैं और हमारा ध्यान अगर इधर उधर हो जाता है तो दूध गिरकर नीचे चला आता है। तो जब भी आप दूध खौलाइए तो आप छोटा सा कोई भी बर्तन ले लीजिए, चाहे दिया हो या कटोरी हो या छोटा सा ग्लास हो, उसे आप दूध में डाल दीजिए। बस ध्यान ये देना है कि जो भी बर्तन आप दूध में डाल रहे हैं वो साफ़ सुथरा होना चाहिए और ऊपर से जारी लगाकर आँच को सिम कर दीजिए। मैंने इसमें दिए का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि ये गाय का दूध है और गाय के दूध में स्मेल होती है, तो दिया डालने की वजह से गाय के दूध में एक सोधी सोधी सी खुशबू आती है, जिसे बच्चे भी गाय के दूध को पीने में आनाकानी नहीं करते हैं। देखिए, इस तरह से दूध खौलाने से दूध अंदर ही अंदर खौलता रहता है, ये बाहर की तरफ नहीं आता है। इससे हमें दूध देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है और जब दूध अच्छी तरह से खौल जाए तब आप इस दिए या जो भी बर्तन आपने दूध में डाला है उसे निकाल लीजिए। इस तरह से दूध खौलाने से एक फ़ायदा और होता है, इसकी मलाई काफ़ी मोटी पड़ती है और दूध भी बाहर नहीं गिरता है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों, जब भी आप इडली बनाने के लिए चावल दाल भिगो रहे हैं तो उसमें आप 8 से 10 दाने मेथी के ज़रूर डालिए। इस तरह से मेथी के दाने डालने से आपकी इडली बहुत ही सॉफ्ट बनेगी। मैं जब भी इडली बनाती हूँ इसमें कुछ दाने मेथी के ज़रूर डाल देती हूँ, जिससे मेरी इडली काफ़ी सॉफ्ट बनती है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। दोस्तों, दूसरी टिप है चार्जर को लेकर। दोस्तों, आप अधिकतर देखते होंगे कि चार्जर का इस्तेमाल करते करते चार्जर यहाँ से टूटने लगता है, तो इसे लंबे समय तक सही रखने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए आपको ले लेना है कोई भी ख़राब सा डॉट पेन, जिसके अंदर स्प्रिंग होती है। आप देखते होंगे डॉट पेन के अंदर एक छोटी सी स्प्रिंग होती है, तो इस स्प्रिंग को हमें ले लेना है और इसे हमें थोड़ा सा फैला लेना है, जिससे हम इस चार्जर में इसे आसानी से लगा सकें। तो स्प्रिंग के आगे वाले भाग को हमें तार में फंसा देना है। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा सा फैला रही हूँ जिससे मैं इसे आसानी से इसमें लगा सकूँ। तो इसे फैलाने के बाद आगे वाले भाग को तार में फंसा देंगे, उसके बाद स्प्रिंग की तरह इसे गोल गोल घुमाते हुए तार में लगा देंगे। इस तरह से आपका चार्जर काफ़ी लंबे समय तक चलेगा और ये टूटेगा नहीं, ये बिल्कुल सेफ रहेगा। तो इस तरह से आप चार्जर में तार को लगा दीजिए, ये बहुत ही आसानी से लग जाता है। देखिए, ये स्प्रिंग इसमें कितनी आसानी से लग गया। स्प्रिंग लगने की वजह से तार इधर उधर नहीं घूमेगा, ये बिल्कुल सीधा रहेगा।
देखिए स्प्रिंग लगने की वजह से ये बिल्कुल सीधा है। इस तरह से लगाने से आपका चार्जर लंबे समय तक खराब नहीं होगा। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। इसके लिए मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है और फ्राई पैन को मैंने गैस पर रख दिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 चम्मच सरसों का तेल और तेल को हम अच्छी तरह से गर्म हो जाने देंगे। जब तेल अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे माचिस की कुछ तिल्लियाँ। दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं माचिस की तिल्लियाँ सरसों के तेल में क्यों डाल रही हूँ। आप वीडियो पूरा देखते जाइए जिससे आपको पूरा समझ में आ जाएगा। माचिस की तिल्लियों को हमें ब्राउन कर लेना है। माचिस की तिल्लियाँ जब ब्राउन होंगी तब बीच बीच में ये तिल्लियाँ जलती भी रहेंगी, तो इसमें डरने की बात नहीं है। ये जलती भी हैं और अपने आप बुझ भी जाती हैं। तो देखिए ये माचिस की तिल्ली जलने लगी और अपने आप ही बुझती जा रही है। इस तरह से हमें माचिस की तिल्लियों को ब्राउन कर लेना है। जब माचिस की तिल्लियाँ ब्राउन हो जाएं तब हम इसमें एक चीज़ और ऐड करेंगे, वो है 4 से 5 लहसुन की कली। इसे मैंने छिला नहीं है, सिर्फ इसे मैंने कट करके ऐसे ही छिलके सहित डाल दिया है और डाला है 4-5 लौंग। दोस्तों आप तो जानते ही होंगे कि लौंग का फ्लेवर कितनी तेज होता है, तो लौंग और लहसुन को डालने के बाद इसे भी हम अच्छी तरह से पक जाने देंगे। जब सारी चीज़ें अच्छी तरह से पक जाएंगी तब इसे हम निकाल लेंगे। आप चाहें तो स्ट्रेनर की मदद से भी इसे छान सकते हैं। मैं इसे चम्मच की मदद से निकाल रही हूँ। देखिए इस तरह से इसे हमें निकाल लेना है और तेल को हमें ठंडा कर लेना है। दोस्तों आप चाहें तो इस तेल को ज़्यादा मात्रा में बनाकर भी रख सकते हैं। मैं इसे थोड़े ही मात्रा में बनाई हूँ। तो सभी चीज़ों को निकालने के बाद तेल को हमें ठंडा कर लेना है। तो अब इसका यूज़ हमें कहाँ करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इस तेल का हमें यूज़ कहाँ करना है। तो इसके लिए मैंने 2 पुराना दिया ले लिया है। जो दीपावली के दिए बचे होते हैं वो दिए तो आपके पास होंगे ही, तो उसमें आप रुई डाल दीजिए और इस तेल को इस दिए में आप डाल दीजिए। दोस्तों जब भी हम शाम के समय दरवाज़ा खोलते हैं तो मच्छर मक्खी घर के अंदर काफ़ी मात्रा में चले आते हैं, तो आप इस तरह से दिए को जलाकर शाम के समय रख दीजिए। आप देखेंगे तुरंत ही मक्खी मच्छर घर से बाहर चले जाते हैं। और भी जैसे छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं जैसे कॉकरोच वगैरह, वो भी घर से बाहर चले जाते हैं। अगर आपका घर बड़ा है तो आप 2 दिया जला कर रखिए, अगर छोटा है तो आप 1 दिया ही जला कर रख सकते हैं। मैंने इसे अपने लिविंग रूम में रखा है जो कि बीच में है, तो बीच में रखने की वजह से घर में जितने भी मक्खी मच्छर थे वो सारे मक्खी मच्छर घर से बाहर चले गए हैं। जो हमने तेल में माचिस की तिल्ली, लौंग और लहसुन का इस्तेमाल किया है उससे मच्छर मक्खी और कॉकरोच तुरंत ही भाग जाते हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप अच्छी लगी होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दोस्तों अब सभी लोग अपने किचन में लकड़ी के सामान का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और इसे इस्तेमाल करते करते ये खुरदुरा होने लगता है और इसमें स्क्रैचेज भी आ जाते हैं। तो इस लकड़ी के सामानों को फिर से सही करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको ले लेना है सैंड पेपर। सैंड पेपर आसानी से बाज़ार में मिल जाता है, तो इसे आप खरीद कर जरूर रखा करिए। अब इस सैंड पेपर से हमें अपने लकड़ी के सामानों को रगड़ देना है। देखिए जैसे मैं रगड़ रही हूँ उसी तरह से सैंड पेपर से आप अपने लकड़ी के सामानों को रगड़ दीजिए। जहाँ भी स्क्रैच पड़ा होगा, खुरदुरा होगा, वो सभी बराबर हो जाएगा। देखिए सैंड पेपर से रगड़ने से ये बिल्कुल बराबर हो गया है। अब लकड़ी के सामानों को लंबे समय तक चलाने के लिए हम क्या करें, तो उसके लिए भी मैं आपके साथ एक टिप शेयर कर रही हूँ जिससे लकड़ी का सामान आपका लंबे समय तक चलेगा और ना ही इसमें फफूंद लगेगी और ना ही ये जल्दी सड़ेगा। तो इसके लिए आपको ले लेना है सरसों का तेल। जी हाँ दोस्तों, इसके लिए आप सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करिएगा। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तब आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल है तो ज़्यादा बेटर है। अब इसे लगाने के लिए आप टिश्यू पेपर, कपड़ा या कॉटन कोई भी चीज़ ले लीजिए और उससे लकड़ी पर पूरी तरह से तेल को लगा दीजिए। इस तरह से लगाने से लकड़ी के सामान में फफूंदी नहीं पड़ती है और न ही ये जल्दी सड़ता है। ये काफ़ी लंबे समय तक चलता है। आप देखते होंगे कि लकड़ी के सामान में दुकान वाले भी तेल लगा कर रखते हैं जिससे लकड़ी का सामान काफ़ी मजबूत हो जाता है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। नेक्स्ट टिप हमारी उन विग्नर्स के लिए है
जिसे खाना बनाना नहीं आता है, और जब वो खाना बनाने लगते हैं तो कम जानकारी की वजह से उनका खाना बिगड़ जाता है। जैसे मैंने अभी अभी इसका ढक्कन हटाया है, वो ढक्कन हटाते ही इडली को अनमोल्ड करने लगते हैं, जिसकी वजह से इडली टूटने लगती है या फिर इडली स्टैंड में ही चिपक कर रह जाती है। तो इसे जब भी आप निकालिए, इसे 2 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। जब इडली हल्की सी ठंडी हो जाए तब इसको आप अनमोल्ड करिए। इस तरह से अनमोल्ड करने से आप देखेंगे कि इडली बहुत ही आसानी से निकल जाती है और ना ही इडली टूटती है, ना ही स्टैंड में इडली चिपका हुआ रहता है। देखिए, मैंने इसमें मेथी दाना डाला हुआ था, जिसकी वजह से इडली कितनी सॉफ्ट बनी हुई है। तो आप इस छोटी सी टिप के जरिए इडली बनाएंगे तो आपकी इडली बिल्कुल सही उतरेगी। आई होप आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, जब भी आप छोटी सी ओखल में लहसुन या अदरक को पीसते हैं तो आप देखते होंगे ये छटक के इधर उधर गिरती रहती है। तो जब भी आपको लहसुन अदरक को पीसना हो तो आप इसमें थोड़ा सा नमक डाल दीजिए। नमक डालने से लहसुन या फिर अदरक जो भी आपको पीसना है वो इधर उधर छटक कर नहीं गिरता है, और आप देखेंगे कि नमक डालने की वजह से जो भी आप पीस रहे हैं लहसुन या अदरक, वो काफ़ी बारीक पीस जाता है। देखिए ये कितना बारीक पीस गया है। आपको मेरी ये छोटी सी टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, कभी ऐसा होता है कि हम जूता पॉलिश नहीं कर पाते हैं और सुबह की भागम भाग में हमें जूता पॉलिश करने का टाइम नहीं रहता है, तो उस समय हम क्या करें? तो मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। जब आपके पास जूता पॉलिश करने का समय ना हो तो उस समय आप ले लीजिए नारियल तेल, और नारियल तेल को आप जूते पे डाल दीजिए, और ले लीजिए टिश्यू पेपर, या फिर इसकी जगह आप कॉटन का या फिर कॉटन के कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसकी मदद से आप तेल को पूरे जूते पर लगा दीजिए। तेल थोड़ा कम हो गया था तो मैंने इसमें थोड़ा सा तेल और डाला है। इस तरह से आप पूरे जूते पर तेल लगा दीजिए। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ कुछ सेकेंड ही लगेंगे और जूता बिल्कुल चमकने लगेगा। कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने जूता पॉलिश नहीं किया है। देखिए जूता कितना चमकने लगा है, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें पॉलिश नहीं हुआ है। देखिए, मैंने दोनों जूतों को नारियल तेल से पोंछ दिया है। अब जब भी आपके पास समय की कमी हो तो आप इस तरह से जूतों को पॉलिश कर सकते हैं। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।